हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विगीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कर्ड पफ की रेसिपी। और आप यकीन मानिए कि बच्चे मैकडी जाके मैक पफ खाना भूल जाएंगे अगर आप उन्हें ये कर्ड पफ खिलाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो चलिए फिर इस कर्ड पफ की रेसिपी को शुरू करते हैं। कर्ड पफ बनाने के लिए मैंने ये हंग कर्ड लिया है, तो मैंने इसे छलनी में इसी तरह से करके रख दिया था 2 घंटे के लिए और इसका सारा पानी निकल गया है। तो ये जो दही है इसको मैं इस बाउल में ऐड कर दे रही हूँ। बिल्कुल गाढ़ा दही है, एकदम पानी नहीं है इसमें। तो ये 2 टेबलस्पून दही है यहाँ पे। इसमें मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून कटी हुई प्याज। तो ये मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है प्याज को। 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून कैप्सिकम शिमला मिर्च, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ती, 4 टेबलस्पून पनीर, ग्रेटेड पनीर, 2 टेबलस्पून मोजरेला चीज, सॉल्ट टू टेस्ट, नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। मिक्स कर देंगे इन्हें अच्छे से। तो ये हमारा मिक्स रेडी है एकदम। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। अब एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की जगह आप मैदा भी ले सकते हैं, चावल का आटा भी ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच पानी। 1 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है तो 2 चम्मच पानी लिया है और इसे मिक्स कर देंगे। और मैंने ली है ये 2 ब्राउन ब्रेड, आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। और अब इसके साइड्स काट लेंगे। इसके साइड्स आप ब्रेड पोहा बनाने में यूज कर सकते हैं। ब्रेड पोहा की रेसिपी मेरे चैनल पर है। और अब हम इसे रोलिंग पिन से रोल कर लेंगे। तो अब हम 1 से 1.5 चम्मच मिक्स लेकर इसके साइड में रखेंगे। और ये जो हमने कॉर्नफ्लोर वाला घोल बना के तैयार किया था इसे चारों तरफ लगा देंगे। और अब इसे रोल कर देंगे। चारों तरफ से सील कर देंगे इसे। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे पफ बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे पफ्स बन के रेडी हो गए हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए, तेल हमारा गर्म हो गया है और अब हम इसमें एक एक करके ये कर्ड पफ डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे हमारे पफ रेडी हुए हैं। और इसी तरह से हम सारे पफ्स तल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए लग रहे हैं ना एकदम डिलीशियस से, और मार्केट से बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं खाने में। तो मैं आपको एक कट करके भी दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में। और देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। ये देखिए इसका जो टेस्ट आता है चीज और पनीर के साथ, बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है ये। तो इस लॉकडाउन में आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट करें, और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।